हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं टेक 24। तो गाइस, आज आप लोगों को जो एक्सिस बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको कैसे रजिस्टर करते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाना मालूम, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपका जो एक्सिस बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जिसको मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जो एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है गाइस। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली कर देना है ओपन। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों के पास ऐसे इंटरफेस आ जाएगा जिधर की देखने के लिए मिलता है ओपन नाउ और लॉगिन। तो गाइस ओपन नाउ में जैसे क्लिक करोगे इसमें आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग करने का कुछ प्रोसेस मिलता है, जैसे आप लोग डिजिटल अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है लॉगिन पे क्लिक। तो गाइस जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास दूसरी का इंटरफेस आ जाएगा जिधर आपका जो डिवाइस है डिवाइस वेरीफाई करना पड़ेगा आपका मोबाइल नंबर से। तो मेरा जो जो सिम से अकाउंट ओपन किया तो उसको चूज़ कर लेना है गाइस, जैसे कि मेरा 2 नंबर पे है तो मैं इसको क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद गाइस ऐसे टिक मार्क करने के बाद आप लोगों को नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू, इसमें कर देना है क्लिक। कंटिन्यू क्लिक कर देने के बाद गाइस आप लोगों के पास अलाउ ऑप्शन आ जाएगा, आप लोगों को अलाउ कर देना है गाइस। उसके बाद आप लोगों के पास देख रहा है एक ऑप्शन आ रहा है जैसे कि सेंड में क्लिक कर देना है। जैसे सेंड में क्लिक करोगी गाइस आपका मोबाइल से एक SMS जाएगा उस एक्सिस बैंक का जो सर्विस सेंटर है उधर जाएगा। उसके बाद आप लोगों को वेट कर लेना है गाइस, जैसे कि प्रोसेस हो रहा है आप लोग देख रहे आपका जो फ़ोन नंबर है वेरीफाई कर रहे। तो चलिए फिलहाल वेट कर लेता है। तो गाइस आपको जो SMS है सेंड होने के बाद ऐसे ऑप्शन आ जाएगा जिधर बता रहे आपका जो फ़ोन नंबर है उसको डाल देने के लिए। तो डाल देने के बाद गाइस आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिधर है कंटिन्यू, इस फ़ोन नंबर को डालने के बाद कंटिन्यू में कर देना है। तो चलिए फिलहाल मेरा जो नंबर है नंबर डाल देता हूँ गाइस, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो गाइस जैसे आप लोग फ़ोन नंबर डाल के कंटिन्यू करोगे उसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलता है आपका नेम एंटर करने के लिए बता रहे। तो चलिए मेरा नेम एंटर कर देता हूँ YKRAMVARUI। तो चलिए मेरा नंबर मेरा जो नाम है नेम इसको डाल दिया। उसके बाद आप इस कॉर्नर पे टिक आउट कर देना है। तो जैसे करोगे उसके बाद कर देना है गाइस आप लोगों को कंटिन्यू में क्लिक। तो चले कर देता है। थोड़ा लोडिंग होने के बाद गाइस इधर आप लोगों को क्या करना है आपका ऐप का MPIN डाल देना है गाइस, जो MPIN आप लोग बनाना चाहते हो उस MPIN को इधर क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मेरा 6 डिजिट का एक MPIN क्रिएट कर लेता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस बता रहे गाइस। तो गाइस जैसे MPIN डाल दिया आप लोग देख रहे हैं मेरा MPIN सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद और एक प्रोसेस देखने के लिए मिलता है जिधर बता रहे आपका पास प्लीज़ एंटर द एम्प्लॉय कोड। आपके पास एम्प्लॉय कोड है तो आप लोग दे सकते हो, नहीं तो आप लोग जो नीचे वाला जो ऑप्शन है कंप्लीट नाउ देख रहे हैं इसमें कर देना सिंपली क्लिक। तो गाइस जैसे आप लोग 3 स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप लोग बस ऐसे इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि बैलेंस शो हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो गाइस ऐप का अंदर जो भी ऑप्शन है आप लोग यूज़ करने के लिए जब भी जाओगे गाइस तो आप लोगों को कुछ एरर आएगा। तो चलिए मैं कुछ क्रेडिट कार्ड को ओपन कर लेता हूँ जैसे कि इस वाला ऑप्शन को, तो आप लोग थ्रो इट कर लेता है गाइस जैसे कि देख रहे हैं ऐसे वाला एरर आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस आपका जो डेबिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है इसको दे देना है। जैसे दोगे गाइस उसके बाद आपका जो बैंकिंग जो एक्सिस है पूरा का पूरा आपका ऐप का अंदर कंट्रोल में आ जाएगा। तो फिलहाल मेरा क्या करता है गाइस मेरी बैंकिंग में क्लिक कर देता है गाइस। तो चलिए मेरा बैंक का जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा देख लेता है ओपन होता कि नहीं, तो उसके बाद कर देता है इसमें क्लिक। तो जैसे क्लिक करोगे गाइस इधर क्लिक करने के बाद क्या मिलते हैं हमारा जो अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है इधर देखने के लिए मिलता है लेकिन फिलहाल ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन में क्लिक करके ऐसे कर देना है क्लिक।
तो गाइस जो ऑप्शन अभी आप लोगों के पास देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से लॉग इन करने का एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला ऑप्शन किसी किसी बंदे के पास क्या होता है गाइस, 3 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। और कोई कोई बंदे के पास क्या होता है, वो बैलेंस शो करने का जो पहले वाला जो पेज देखा है वो भी आ जाता है। तो गाइस जिसके पास पहले आ जाता है वो भी पहले ही रजिस्टर कर सकते हो, और जिसके पास बाद में आता है वो भी ऐसे कर सकते हैं गाइस। तो गाइस उसके बाद देखने के लिए मिलता है आपको बस ऐसे जिधर से ATM कार्ड का डिटेल्स डाल के भी लॉग इन कर सकते हो, और इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के भी लॉग इन कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डेबिट कार्ड का क्या क्या मांगता है, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और MPIN, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर देना है गाइस। तो उसके बाद मिलता है गाइस आप लोग देख रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग। फ़िलहाल मैं इंटरनेट बैंकिंग से लॉग इन करके दिखा रहा हूँ गाइस। आपका डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड का भी इंफॉर्मेशन डाल के भी लॉग इन कर सकते हो। तो चलिए मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देता है गाइस। तो फिलहाल मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया। डाल देने के बाद गाइस आप लोगों के पास ऐसे इंटरफेस आ जाएगा जिधर आपका MPIN डाल देना है गाइस। तो गाइस MPIN जैसे डाल दोगे गाइस आपके पास ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिधर आपका जो पूरा का पूरा एक्सेस आ जाएगा। कुछ भी ऑप्शन आप लोग ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।